हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आर स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन केसलेट डीआई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक और केसलेट को, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट केसलेट देखते हैं, डेटा रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक्स की बात लिखी हुई है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन अ कंपनी देयर आर टोटल 4800 एम्प्लॉइज दैट हैव बीन सेंट टू 5 डिफरेंट कंट्रीज, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, कनाडा एंड द यूके बाय द कंपनी फॉर द कंपनी प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ लोगों को भेजा गया है। टोटल फ्रेशर्स आर 37.5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज दैट आर सेंट। फ्रेशर्स जो भेजे गए हैं वो 37.5% है, इसका मतलब होता है 3/8। 3/8 किसका? 4800 का, तो कितना हो गया ये? 1800 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग गए हैं उसमें से 1800 लोग फ्रेशर्स हैं, तो बचे हुए 3000 कौन हो जाएंगे? ये आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे। दो कैटेगरी हो गई, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर आपके आ जाएंगे 1800, यहाँ पर आपके आ जाएंगे 3000। टोटल लोग कितने गए हैं? 4800। बात समझ में आ गई, अलग अलग कंट्रीज आपने इस तरह से यहाँ पर लिख दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये फ्रेशर्स जो हैं ये हैं 1800 और ये जो एक्सपीरियंस है ये हैं 3000। अगर मैं बात करूँ टोटल फ्रेशर्स की तो ये अपने आप में खुद का 100% रहेंगे, और बात करूँ टोटल एक्सपीरियंस की तो ये अपने आप में खुद का 100% रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेशर्स के लिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 18 बंदे, एक्सपीरियंस बंदों के लिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 30 लोग। कैसे? क्योंकि 100% की वैल्यू जब 1800 रहेगी तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 18, 100% की वैल्यू जब 3000 रहेगी तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना हो तो फ्रेशर्स के लिए आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस के लिए आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप लोग परसेंटेज में काफी बार देख चुके हो जब हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12% ऑफ टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज हैव बीन सेंट टू फ्रांस, तो फ्रांस कितने गए हैं? 12%। किसका? एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस में 1% की वैल्यू कितनी है? 30। तो 12 × 30 करते हो तो कितना हो जाता है वो? 360। तो फ्रांस गए हैं एक्सपीरियंस में 360। बात समझ में आ गई। 24% ऑफ टोटल फ्रेशर एम्प्लॉयज हैव बीन सेंट टू द यूके, यूके जो गए हैं 24% गए हैं फ्रेशर्स का। फ्रेशर की 1% की वैल्यू कितनी है? 18। 24 की कितनी हो जाएगी? 24 × 18। 21 + 3, 21 - 3, 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 441 - 9 यानी कि 432। तो यूके जाने वाले लोग कितने हो गए फ्रेशर्स में? 432 हो गए। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। द रेशियो ऑफ एक्सपीरियंस्ड टू फ्रेशर एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू फ्रांस इज 6:11। फ्रांस में जो एक्सपीरियंस गए हैं और जो फ्रेशर गए हैं उनका रेशियो है 6:11। एक्सपीरियंस की वैल्यू हमको पता है 360, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 660। कैसे? मल्टीप्लाई लगा 60 का, तो ये भी मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे? 660। दोनों को प्लस कर दीजिए, 1020। ये फ्रांस के आपके टोटल बंदे हो गए फ्रेशर और एक्सपीरियंस मिलाकर। एंड आउट ऑफ टोटल फ्रेशर एम्प्लॉयज 1/9 हैव बीन सेंट टू जर्मनी। 1800 का 1/9 करते हैं आप तो 200 आता है, तो ये कहाँ गए? जर्मनी गए। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज 42% हैव बीन सेंट टू कैनेडा। 42%, 1% की वैल्यू कितनी है? 30। 42% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1260। तो कैनेडा में जाने वाले कितने हैं? 1260 एक्सपीरियंस्ड में। एंड टोटल फ्रेशर एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू कैनेडा इज 10% ऑफ टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू द सेम कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेशर गए हैं वो एक्सपीरियंस्ड का 10% है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कितने हैं? 1260। इसका 10% कितना हो जाएगा? 126। तो कनाडा के टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1386। बात समझ में आ गई। रिमेनिंग फ्रेशर एम्प्लॉयज हैव बीन सेंट टू द यूएस, जो बच गए वो यूएस चले गए। अब ये कैसे निकालोगे? इन सबको आप प्लस करोगे और 1800 में से माइनस करोगे। बात समझ में आ गई। तो पहले 100 प्लस प्लस कर देते हैं, 600 800 900 1300। ठीक है, 1800 में से 1300 माइनस कर दिया, कितना बचा आपके पास? 500। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 60 + 26 = 86 प्लस 32 करते हैं 118। इसको आप माइनस करोगे आपके पास बचेगा 382। तो यूएस जाने वाले फ्रेशर कितने हो गए आपके पास? 382। तो फ्रेशर आपके पास टोटल इन्फॉर्मेशन आ गई। एंड द टोटल एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू जर्मनी इज 570। जर्मनी वाले जाने वाले कितने हैं? 570। 200 फ्रेशर्स हैं, टोटल 570 है, एक्सपीरियंस कितने हो गए? 370। क्लियर। आउट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज 22% हैव बीन सेंट टू यूएस। यूएस जाने वाले कितने थे? 22%। किसका? एक्सपीरियंस का। 1% की वैल्यू कितनी है? 30। 22 की कितनी हो जाएगी? 660।
इनको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस करते देखिए हो जाएगा 2, 6 प्लस 8 करते हैं 14, कैरी में चला जाएगा 1, ये हो जाएगा 1042। अब यूके जाने वाले एक्सपीरियंस बंदे कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे आप और 3000 में से माइनस करेंगे। तो देखिए प्लस कर लेते हैं इसको, ये आपका देखिए कितना होता है, 300 प्लस 600 प्लस 300, 1200 तो यही हो गया, 12 और 12 2400 हो गया, 3000 में से 2400 गया तो बचा आपके पास 600। इसमें से आप क्या क्या माइनस करना है, 60 प्लस 60 प्लस 60 यानी कि 180 प्लस 70 यानी कि 350, कितना बचता है पीछे, 350। तो यहाँ पर बंदे कितने हो गए, 350, इनको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 7, तो आपके पास टोटल आ गया है। तो ये आपके टेबल कंप्लीट हो गई है, अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू फ्रांस एंड जर्मनी टुगेदर, फ्रांस एंड जर्मनी के जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 730। इसका डिफरेंस निकालना है किससे, टोटल एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू यूएस, यूएस कितने गए हैं, 1042। इनका आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस तरह से माइनस कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 312 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू यूके एंड यूएस टुगेदर, यूके एंड यूएस टुगेदर इनका सम कीजिए, एंड द टोटल फ्रेशर एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू कैनेडा इनका सम कीजिए। तो ये तीनों चीज़ें प्लस करके आपको बताना है कि टोटल प्लस करके कितना आता है। देखिए यहाँ 0 है लास्ट में, यहाँ 0 है लास्ट में, यहाँ लास्ट में 6 है, तो प्लस करने पे लास्ट में 6 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं होता तो ये आंसर मार्क करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब प्लस करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दिस अवेलेबल है। देखिए प्लस करेंगे 6 हो जाएगा लास्ट में, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 करते हैं 13 का 3 कैरी में चला जाएगा 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 करते हैं 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 करते हैं 11 हो जाएगा, तो 1136 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। टोटल एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू कैनेडा ये रहा, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज इन द कंपनी ये रहा, ये जो बंदे हैं जो कैनेडा भेजे गए हैं ये एक्सपीरियंस का कितना परसेंट है, हु इज व्हाट परसेंट ऑफ हुम, 1386 इट व्हाट परसेंट ऑफ 3000, यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 की टेबल से 10, 3 की टेबल से कट करते हैं 462, डिवाइड कर देंगे 46.2% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल फ्रेशर एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू फ्रांस, टोटल एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज दैट हैव बीन सेंट टू यूके, फ्रांस जाने वाले फ्रेशर्स और यूके जाने वाले एक्सपीरियंस इनका रेशियो बताना। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है 66 और 35 में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ए में भी क्या था, डिजिट आगे पीछे थी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो ये मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का वीडियो, देखिए केसलेट का जो था ये सीरीज हमने जो स्टार्ट की है धीरे धीरे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कवर करते जा रहे हैं, तो आई होप इसको आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ कीजिए, जिन बच्चों को केसलेट में प्रॉब्लम आती है उसको बार बार कीजिए, एक बार पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए और जब आपसे नहीं होता है तब वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है, मेरी यही सजेशन है आपको। और जो कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स आपको बताई गई है जिनकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करवाई गई है उन पर आप अड़े रहिए, उनको मत छोड़िए ताकि आपका टाइम बचता रहे हर बार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक यू।